नमस्कार दोस्तों, जीआरएस टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज मैं रेलवे में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, आप सभी को पता है। तो आज जो फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं 5 अक्टूबर 2018 को, वो सारे प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो जो भाई बहन एग्ज़ाम दे चुके हैं या देने वाले हैं, दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो देखना ना भूले। चलिए दोस्तों, देखा जाए मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4 जो भी टिक करके आए हैं सभी का सही है। भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो इसका शुरुआत जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुई थी। और नागार्जुन सागर जो है परियोजना किस नदी पर स्थित? तो ये दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है। और भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कहाँ है? हाँ दोस्तों, भारत का जो पहला तेल का कारखाना है जो, तो वो डिगबोई आसाम में स्थित है। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि दादर नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो सिलवासा। दादर नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो सिलवासा। और उससे भी डिफिकल्ट प्रश्न पूछा है कि कान में हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। और आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो बताइए आप लोग तो जरा, जो जो हमारे भाई बहन सही सही एग्ज़ाम दे के आए हैं वो कमेंट अवश्य करें। तो 100 से 120 दिन। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो राजस्थान है। फिर है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और पानीपत की युद्ध पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी को हुई थी। 288 किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? तो आर्गन की है दोस्तों। भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। किस हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है? तो थायरोक्सिन। तो आज तो बस अभी तक इतना ही प्रश्न मुझे प्राप्त हुए हैं दोस्तों। आशा करता हूँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों पढ़ना और पढ़ाना न भूलें, तभी ज्ञान खुलेगा आपके मस्तिष्क का। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।